एक समय की बात है, शहर में एक सुंदर सा घर था। उस घर में एक आदमी अपने चार बच्चों के साथ खुशी से रहता था। उसके चारों बच्चे बहुत अच्छे और होशियार थे, लेकिन तीनों लड़के हमेशा हर बात पर झगड़ते रहते थे। बहन उदास होकर अपने पिता के पास गई और बोली, पापा, भैया फिर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप प्लीज कुछ करो। उस आदमी को बहुत चिंता होने लग गई। वो इस रोज रोज की लड़ाई से परेशान हो चुका था। एक दिन इस परेशानी का हल ढूंढने वो अपने दोस्त के घर जाता है। उसने सारी बात अपने दोस्त को बताई। मेरे तीनों बच्चे बहुत अच्छे और बुद्धिमान हैं, लेकिन वे हर बात पर सारा दिन लड़ते रहते हैं। वे कभी एक दूसरे की मदद नहीं करते। मैं नहीं जानता कि उन्हें एक दूसरे की वैल्यू कैसे समझाऊं। इतनी सी बात पर परेशान हो रहे हो? मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। क्या पता तुम्हारे बेटे लड़ना बंद कर दें। वो अपने दोस्त का आइडिया सुनकर खुशी खुशी वापस घर को चल दिया। रास्ते में वो बाजार जाता है और कुछ लकड़ियों के बंडल खरीद लेता है। लकड़ियां लेकर वो अपने घर चले जाता है। घर पर उसके सभी बच्चे उसका वेट कर रहे थे। वे अपने पिता को लकड़ी से भरी ट्रॉली के साथ देखते हैं और चौंक जाते हैं। पापा, आप कहाँ रह गए थे? आप इतनी लेट हो गए और आप ये इतनी लकड़ियां क्यों लाए हो? मैं आज अपने एक दोस्त के घर गया था। उसने मुझे एक बहुत अच्छा गेम बताया है। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं वो गेम तुम सबके साथ खेलूं। ये लकड़ियां भी उसी गेम के लिए हैं। क्या तुम्हें ये गेम खेलना है? बच्चे गेम का नाम सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गए। अब तुम चारों इसमें से एक लकड़ी उठाओ और बीच में से तोड़ो। जिसने बीच में से लकड़ी तोड़ दी वो अगले राउंड में जाएगा। चारों ने अपनी अपनी एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी को आसानी से दो टुकड़ों में तोड़ दिया और खुश होने लगे। अब अगले राउंड में आप सभी को लकड़ी का ये बंडल लेना है और आपको इस बंडल को बिना खोले ही दो हिस्सों में तोड़ना है। जो ऐसा करेगा वो विजेता होगा। चारों बच्चे बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उस बंडल को तोड़ नहीं पाता। सब उदास हो जाते हैं। ये देख उस आदमी ने उन सभी को पास बुलाया और कहा, जब तक हर लकड़ी अलग थी वो कमजोर थी, उन्हें तुमने आसानी से तोड़ दिया। पर जब सब साथ में हो गई तो तुम में से कोई उन्हें नहीं तोड़ पाया। साथ में रहने पर कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा, और अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो सब तुम्हें आसानी से हरा देंगे। बच्चे अपने पापा की बात समझ गए और बिना लड़ाई करे एक साथ रहने लगे। इस तरह के और मजेदार वीडियो देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं।